हैं दोस्तों, मैं स्मोकी, आप देख रहे हैं स्मोकी स्पेस। और आज है 22 अप्रैल और शाम के 5 बजने को आए हैं। मुझे लगी है भूख और मैं खाने जा रहा हूँ हरीश। तो दोस्तों, आप जितना सोच रहे उतना हरीश नाम नया है आपके लिए शायद से, और आज शायद आपने उसका टेस्ट के बारे में सोचा होगा कैसा होगा हरीश, या आपने शायद से यूट्यूब पे कोई वीडियो देखे रहेगी या सिर्फ नाम सुना होगा। बेसिकली हरीश एक ऐसी डिश है जो आटा और मीट किसी भी तरह चिकन हो या मटन हो सब इनको मिक्स करके बनाई जाने वाली एक डिश है, जिसमें मात्र मिनिमम मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। जो बेसिक से मसाले हमारे इंडियन उनका ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, कोई ज़्यादा ऐसे स्पाइसी या नए मसालों का इतना इस्तेमाल नहीं हो उसमें। सो एकदम क्लासिक डिश है और हैदराबाद में मिलती है। सो आई थिंक हैदराबाद की बिरयानी जितनी फेमस हो चुकी है ना, आई थिंक एक डिश भी उतना ही फेमस होना डिजर्व करती है। सो अभी मुझे पता चला है मेरे शहर में भी हरीश मिल रही है ईद के महीने में। सो मैं जा रहा हूँ उसे टेस्ट करने, और ये वाला जो वीडियो है एक व्लॉग भी होने वाला है, फूड व्लॉग भी होने वाला है। सो आप अपने अपने अंदर से इस वीडियो को देखिएगा, और मैं भी आपके वीडियो अच्छे लगे हो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिएगा। बस यही आपसे इच्छा है मेरी। सो मिलता हूँ आपसे सॉरी आउट्रो दे रहा था। सो हरीश नाम आपने अभी सुना है, तो थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री चाहिए, मतलब हरीश है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान पेल दूँ, आइए पेल लेते हैं। सो दोस्तों, अभी बहुत लोग हरीश को एक अरेबिक डिश समझते, लेकिन अगर आप हिस्ट्री अभी देखोगे आगे इस वीडियो में तो आप जान जाओगे कि हरीश बेसिकली डिश क्या है और किसने इसे इंट्रोड्यूस किया। तो हरीश एक अरेबिक डिश है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हैदराबाद के आसपास के एरिया में, जो अभी भी हैदराबाद में खाई जाती है। बरकस नाम के एक एरिया में इस डिश को जरीश नाम से भी कहा जाता है। और हरीश, जैसे मैंने आपको इंट्रो में पहले ही बता चुका हूँ, आटा और मीट का मिक्सचर रहता है एक बहुत ही अच्छा, जिसमें यहाँ विकिपीडिया में बताया गया है कि 3:1 का रेशो है, मतलब 3 pieces ऑफ मटन और 1 आटा। अब इसे किस तरीके से नाप आ जाता है आई डोंट नो, आप सुन लो, बस इतना आपके लिए काफ़ी है। सो अब ये वाला पार्ट में हरीश खा के आने के बाद शूट कर रहा हूँ। सो मेरा आपसे बस यही एक सवाल है, क्यों भाई क्यों हरीश इतनी फेमस क्यों नहीं है जितना हैदराबादी बिरयानी फेमस है? मतलब हैदराबादी बिरयानी अपने फील्ड में जितनी फेमस है उतना हरीश को भी फेमस होना चाहिए था, क्योंकि उसके बनाने का तरीका एकदम लाजवाब है। अभी भी पुराने तरीकों से उसे बनाया गया है जितना जिस रेस्टोरेंट में मैं खा के आया हूँ, एकदम ऑथेंटिक तरीका था बनाने का, कोई ज़्यादा नया तरीका या कोई उसे अभी एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए उस चीज़ के साथ, जो मुझे अच्छा लगा, मतलब जैसा उसे इन्वेंट किया गया था ना, अभी भी वैसे ही तरीके से उसे पकाया जाता है, बनाया जाता है, पूरा वही तरीका है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं गया। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, जितना बिरयानी फेमस है उतना हरीश फेमस होना चाहिए लेकिन नहीं है। सो आप भी एक बार हरीश ट्राई कीजिएगा अगर आपके एरिया में अवेलेबल हो, तो आपको पता चल जाएगा। यार मैं अभी उस वर्ड्स नहीं ढूंढ पा रहा हरीश को एक्सप्लेन करने के लिए। सो सीधे चलते अपन वीडियो में।
अरे उसके पास कबाब के लिए कोफ्ते के लिए क्या नहीं मैं लगती है बताया जिसको बोलते वो चीज़ मालूम नहीं ये चीज़ का मुझे आगे से नहीं है बहुत पहले से सुबह चौक में आपको गणपति का चौक लगा देते हैं मुझे पहली बार आई गणपति का मालूम ना पड़ जाएगा यहाँ गणपति रखते ना गणपति रखते ना नहीं रखते इसमें क्या क्या है अभी इसमें नमक डाला और ये ग्रीन चिल्ली है अभी इसको थोड़ा पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ा दूर हटना हाँ ठीक है इधर चीज़ है तो ये मसाले हैं बारिश में जाने वाले तो भाई आप क्या अभी आपके हाथ में कौन सा मसाला है ये करण फूल पाउडर है अच्छा ठीक है
और ये जो है शाजीरा पाउडर है। शाजीरा पाउडर ठीक है। ये जो है सोन पाउडर है। अच्छा इलायची पाउडर। अच्छा कबाब चीनी पाउडर। दालचीनी पाउडर। धनिया जीरा जो भून के जो पीसते हैं वो पाउडर है। अभी जो इसको मिक्स कर लें। अच्छा मतलब इन सारे मसालों को एक साथ मिक्स कर लें। अच्छा तो फिर आपने जो सारे मसाले डाले इनकी कोई क्वांटिटी फिक्स रहती है या कम ज़्यादा भी चलेगा? नहीं फिक्स करके डालना पड़ेगा मेरे को। अच्छा। अभी हम लोग को आइडिया है जितना लगेगा उतना डालेंगे। अच्छा अगर आपके पास कुछ एक किलो अगर ऐसा पका रहे तो 50-50 ग्राम मसाले डालना पड़ेगा। अच्छा। जो असली की है असली की के लिए हरीश के जो डिश हैदराबादी हरीश वो कवर किया हूँ। हमारे साथ है हरीश पकाने वाले प्रोफेशनल शेफ और अदर चीज पकाने वाले जो भी स्टाफ है चिकन समोसा जो इनकी स्पेशलिटी है ज़्यादातर वो अच्छा पकाते हैं और इस रेस्टोरेंट के ओनर अदर स्टाफ भी है हमारे साथ तो हम इनसे बातचीत करेंगे और इनकी जुबान से ही जानेंगे कि हरीश क्या है कहाँ से आया और इसकी क्या क्या चीज़ें हैं और किससे बनता है सब डिटेल में जानेंगे। सो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। शेख जमीन। अच्छा क्या हरीश के बारे में बता सकते हैं बनता कैसे है क्या इसका है? ये जो है चिकन से बनता है दलिया जो यूज़ होता है गेहूँ वाला दलिया उसको पीस कर चिकन बॉइल करके बोनलेस जो करते हैं चिकन उसको पूरा बोनलेस करके दलिया जो अदरक लहसुन काली मिर्ची साबित कबाब चीनी साबित ये डाल के बॉईल करते हैं। उसके बाद चिकन निकाल के दलिया डालते दलिया पका के उसके बाद उसको अच्छा पके बाद उसको चिकन जो है ना बॉईल करके डाल देते हैं। अच्छा डालने के बाद हड्डी अलग कर देना है चिकन की। चिकन को कितने देर बॉईल करना है? 3 घंटे। अच्छा 3 घंटे तक तीन बॉईल होता है बॉईल करना। अच्छा 3 घंटे मिनिमम। उसके बाद जो है बॉईल होने के बाद ये दलिया डाल के पानी हिसाब का लेके अगर आपके पास 1 किलो दलिया है तो आप 2 लीटर पानी डालना चाहिए ज़्यादा नहीं क्योंकि ज़्यादा डालने से फिर पतला हो जाएगा।
दो किलो दलिया में, एक किलो दलिया में दो किलो पानी डालना है, दो लीटर डाल के उसमें पका लेना है उसको, पका के फिर चिकन डाल देना है, चिकन डाल के पका के उसको ऑफ कर देना है। अच्छा, उसके बाद धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, सोंठ पाउडर, अच्छा इलायची पाउडर, कबाब चीनी पाउडर, करमपुर पाउडर, ये पूरे आइटम डाल के मिक्स कर लेना है। अगर आप डालना चाह रहे हैं उसके अंदर और कुछ घी वगैरह वो भी डाल सकते हैं साथ में, ये डाल के मिक्स करके उसको अच्छा घोटना। ठीक है, जैसे लकड़ी का जो रहता है ना उससे घोटना। अच्छा, उसे क्या बोलते हो लकड़ी के? घोटा बोलते हैं। क्या? घोटा, घोटा। अच्छा, वो घर में आप नहीं बना सकते। हाँ हाँ, दिखने में भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। वो बड़ा है ना। हाँ, तो आप घर में जो दाल घोटते हैं ना उससे कर सकते हैं आप। अच्छा, क्या जब जाके वो हरी से रेडी होती है। अच्छा, मतलब एक तरीके से हरीश बनाने के लिए 5 से 6 घंटा टाइम लगता है। सही है। एक्चुअली हरीश कहाँ से आता है, मतलब कौन से स्टेट से, सिटी से? ये हरीश जो है टाइम पहले हैदराबाद में अरेबियन है सऊदी, वहाँ से स्टार्ट हुआ। ये पता नहीं बहुत साल हो गए यही आइटम ज़्यादा चलता है हैदराबाद में। अच्छा, मतलब हरीश जितना पकाने के लिए टाइम लेता है, जायका भी उसका उतना ही अच्छा है, टेस्ट उतना ही बढ़िया, लेकिन हैदराबाद की बिरयानी जितना फेमस हो गई उतना ये फेमस नहीं हो पाया, लेकिन जायका उतना ही अच्छा है जितना बिरयानी का। अच्छा है, हैदराबाद की बिरयानी आपको कंटिन्यू मिलेगी हैदराबाद। हाँ, हरीश जो है बहुत कम मिलेगी, फंक्शन में ज़्यादा मिलेगी, फंक्शन में बहुत बनती है। ठीक है, और रमज़ान में स्पेशल आइटम यही है। ठीक है, थैंक यू। अभी हम बात करेंगे इस रेस्टोरेंट के ओनर, होटल नुक्कड़ के जो ओनर है सुमित जी से, उनसे बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या ऐसी इच्छा थी कि वो हैदराबाद की डिश यहाँ महाराष्ट्र लातूर में भी लेके आए। सो बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नई नई चीज़ें खाने का और खिलाने का बहुत शौक है, मुझे अच्छा लगता है। तो ये हैदराबाद का ऑथेंटिक डिश है तो ये लातूर में नहीं मिल रहा, तो इसलिए पिछले साल से मैंने ये हैदराबाद से जमीर भाई को बुला के लिया और हरीश बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। ठीक है, और भी आपको तो आपके यहाँ पे कौन सी चीज़ें मिलती है जो लातूर में रेयरली अवेलेबल है, जो बाहर बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत फेमस भी है लेकिन लातूर में अभी नहीं, जो आपके पास है? हमारे पास मिलता है मुर्ग मुसल्लम मिलता है, जो कॉमन है लेकिन हमारे पास ऑथेंटिक बनता है। और मटन चंपारण है, मटन चंपारण में तो चंपारण जो बिहार में पड़ता है, वहाँ की हंडी मटन, जिसके हंडी मटन के नाम से जाना जाता है उसको, तो वो एक डिश हम बनाते हैं। अभी थोड़ा कम कर दिया हूँ लेकिन ऑर्डर के हिसाब से हम बना के देते हैं, कस्टमर का ऑर्डर जैसा रहेगा उस हिसाब से। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम टेस्ट करने वाले हरीश, चिवी सा लग रहा है दिखने में, चिंगम जैसा। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है, प्याज जैसा लग रहा है। हाँ, प्याज है, ऑनियन प्याज है। अच्छा, और उसके साथ पुदीना, पुदीना और नींबू। अच्छा, ऐसे ऐसे मिक्स करके खाते हैं। हाँ, दो तीन दिन पहले मेरे दोस्त ने भी लेके गया था, इसे खाने के और कुछ तरीके, मतलब रोटी पे लगा के ऐसे खाना है तो ऐसे। ये और एक स्पून हाथ में लीजिए आप। ओके, ये थोड़ा डालो प्याज और पुदीना और ऐसे। सो गाइस, फर्स्ट बाइट है वाला। सही लग रहा है, जितना चिकन का स्वाद आ रहा है उतना ही मसाला ज़्यादा भी नहीं है, एकदम बैलेंस लग रहा है सब। और साथ ही जो ऊपर फ्राई किया हुआ प्याज है और पुदीना, अलग से टेस्ट जा रहा है उसका लास्ट में। सच में खाने के लिए बहुत अच्छा है, बस आप सोच इस चीज़ का है कि ये अभी उतनी फेमस क्यों नहीं है। अभी ये जो हैदराबाद में फेमस है यहाँ पे होएंगे, टाइम लगेगा थोड़ा। मैं सच्ची बोलूँगा ना, मैं टेस्ट कर रहा हूँ, अब तक ये टेस्ट नहीं पहुँच पाएगा जब तक आगे से खा के नहीं देखते, लेकिन नहीं, जब आप ट्राई करोगे ना, जितना आप बिरयानी को प्यार करते हो उतना इस चीज़ को भी प्यार करोगे, इतना मैं 100% शोर से कह सकता हूँ। सो अच्छा है, रोक नहीं पा रहा मैं खुद को, सेकंड बाइट लेने की कोशिश कर रहा हूँ।